अगर आपको पता चला वास्तव में ऐसा हो जाता है कि पवार सीनियर अपने भतीजे की तरफ जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया अलायंस है और जो एनडीए है उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? जिस तरह से उनके बीच में परिवार में बातें चल रही है, अजीत पवार शरद पवार में बातें हो रही है, पारिवारिक बातें हो रही है, ये गलत मैसेज सेंड कर रहा है। एनसीपी का काडर आज की तारीख में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है, लड़ाई किसके साथ है वो समझ नहीं पा रहा। शिवसेना भी दो खेमों में बट गई, लेकिन शिवसेना के एक गुट को पता था कि हमारी लड़ाई एकनाथ शिंदे के साथ है। फिर महाराष्ट्र में एक वो नैरेटिव चला था, गद्दार कोके ये सब नैरेटिव चला था। एनसीपी में ये नहीं हो रहा। अटैक उस टाइम पे हो रहा था सीधा एकनाथ शिंदे पे शिवसेना से, लेकिन यहां पर हवा में फायरिंग की जा रही है अजीत पवार के इर्द गिर्द। अजीत पवार को टारगेट नहीं किया जा रहा, पार्टी का कार्यकर्ता संभ्रम में है। शरद पवार के करियर में जिस चीज ने उनको सबसे ज्यादा सताया है, जो भूत हमेशा ही उनके कंधे पर सवार रहा था, वो था अनप्रडिक्टेबल पॉलिटिक्स का। और एक बार फिर से एट द एज ऑफ 84 जिस तरह की शरद पवार की राजनीति पिछले कुछ दिनों में पनपी थी 2019 में, चाहे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एट द एज ऑफ 80 पूरे महाराष्ट्र में घूमे थे, प्रचार किया था, बारिश में रैली उन्होंने की थी, उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ था। शरद पवार पॉपुलर थे, लेकिन जिस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी 80s में हुआ करती थी, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस बार शरद पवार की देखने को मिली थी। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम शरद पवार का जिस तरह से लेके अजीत पवार को लेके कंफ्यूजन है, ये उनके क्रेडिबिलिटी पर फिर से एक बार सवाल खड़ा कर रहा है, पार्टी के काडर में सवाल है। और साथ ही साथ दूसरा क्रेडिबिलिटी पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस। मेरी जानकारी यह है, पिछले 3 दिनों से उद्धव ठाकरे के घर पे जो लगातार मीटिंग्स हो रही है, लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने यह मन बना लिया है कि उन्हें एकला चलो रे का ही नारा देना पड़ेगा। अकेले उद्धव ठाकरे लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ सीधा सीधा अलायंस होगा तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस बात की नाना पटोले और उद्धव ठाकरे में रिसेंटली चर्चा भी हुई है। शरद पवार आएंगे नहीं, शरद पवार जिस तरह से राजीव सर कह रहे थे, शरद पवार अपने सभी ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, सभी अपने आज की तारीख में एक दरवाजा उन्होंने बंद किया है तो दूसरा दरवाजा खुला रखा है। तो अभी इसमें अगर सीन बनता है फिर से एनडीए को अगर वहां पर मेजोरिटी मिलती है तो मोदी और भाजपा के साथ जाने का ऑप्शन उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन साथ ही साथ वहां अजीत पवार है, पवार अगर जुड़ जाते हैं, जिस तरह से राज ठाकरे कहते हैं कि एक टीम चली गई है दूसरी टीम बाद में जाएगी, तो दूसरी टीम शायद 24 के बाद जा सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस और शिवसेना ने अपना मन बना लिया कि शरद पवार के बिना हम आगे जाएंगे, उनके सिवा हमें ये चुनाव लड़ना है। उनके अगर ऐसी नौबत आती है कि पवार के खिलाफ भी लड़ना पड़े, शरद पवार के खिलाफ, तो भी उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसको लेकर पिछले 3 दिनों से उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो जायजा ले रहा है। ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर शरद पवार के आज एमपीज है, जो एनसीपी के एमपीज है, वहां पर भी उनकी लड़ने की तैयारी है। तो अब शिवसेना यह जानती है इस बात को लेकर, शिवसेना तो आश्वस्त है अकेले लड़ना है, कांग्रेस उनके साथ में रहेगी। कई जगह पे मेरी ये जानकारी है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में टैक्सिक अंडरस्टैंडिंग होगा, फ्रेंडली फाइट, छुपा समझौता उन दोनों में होगा, इससे चुनाव लड़े फ्रेंडली फाइट रहेगी, या फिर कई जगह पर कैंडिडेट ना देना, वीक कैंडिडेट देना, ये सारी चीजें होगी। लेकिन शरद पवार पे इस वक्त दोनों भरोसा नहीं कर रहे, उनकी ये जानकारी, उनका ये मानना है शरद पवार कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अब ये ओनस है शरद पवार पे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि परिवार एक तरफ है, पार्टी एक तरफ है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की कई किसी भी राजनीति में ये जो थिन लाइन है ये बहुत डेंजरस होता है। ये थिन लाइन परिवार और पार्टी अलग है ऐसा कभी नहीं होता, ये लाइन पवार को क्रॉस करनी पड़ेगी उन्हें खुद को। अगर इस स्तंभ को कोई दूर कर सकता है तो खुद शरद पवार है, उन्हें ही इस लाइन को ज्यादा बोल्ड करना पड़ेगा। ये परिवार अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन पार्टी का कहना अलग होगा और शरद पवार का कहना अलग होगा। अजीत पवार के साथ हम नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर करना शरद पवार को ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक, जो अप्रैल मई में होना है, एनसीपी में ये दो पक्ष रहेंगे, एक अजीत पवार का जो बीजेपी के साथ जुड़ेगा और एक शरद पवार का जो एमवीए यानी शिवसेना और कांग्रेस में जाएगा। शरद पवार ने जिस प्रकार से कल भी हमला किया बीड में रैली में बीजेपी को पर, लगता है उन्होंने अपना एक तरह से उन्होंने तय किया है कम से कम लोकसभा चुनाव तक मैं यही इस एमवीए के साथ जुड़ूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। सवाल उठता है उसके बाद क्या, क्योंकि इलेक्शन अप्रैल मई में लोकसभा के हैं,
अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब क्या होगा? क्योंकि तब मुझे लगता है असली लड़ाई होनी है। अब सवाल उठता है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी और बीजेपी एक बार फिर बड़ी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाते हैं, तब शरद पवार क्या करेंगे? तब क्या दबाव और बढ़ेगा एनसीपी पर कि आप लोग ये गुटबाजी छोड़ दीजिए, एक साथ आ जाइए, एक ही परिवार है, आपके बिजनेस इंटरेस्ट एक है, आपके राजनीतिक इंटरेस्ट भी एक बना दीजिए और आप सब बीजेपी के साथ जुड़ जाइए। उस परिस्थिति में हो सकता है कि जो एमवीए आज का अलायंस है वो टूट की कगार पर आ जाए। लेकिन आज की परिस्थिति में निखिल, मैं समझता हूं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों जो है लोकसभा चुनाव तक एक साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि अब शरद पवार एक ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं इस समय जिससे ये अलायंस या गठबंधन जो उन्होंने ही बनाया वो पूरी तरह से टूट जाए। जो उनके करीबी है वो मुझे ये कहते हैं कि शरद पवार ने बार बार एमबीए के सॉरी इंडिया अलायंस के दूसरे घटकों को आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र आप हम पर छोड़िए, हम महाराष्ट्र लड़ेंगे एक तरह से एकजुट होके, और आप हम पर विश्वास रखिए कि हम कोई अजीत पवार के साथ नहीं जा रहे हैं, ये गलत अफवाहें हैं। बार बार जब पूछा गया है उन्होंने कहा है अफवाहें हैं। तो लोकसभा चुनाव तक मुझे लगता है ये एकजुट रहेंगे। उस चुनाव में क्या होता है, क्या परिस्थिति होती है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बीजेपी इस समय नरेंद्र मोदी जी का एकमेव लक्ष्य लोकसभा है। लोकसभा में उनका उद्देश्य है कि ये एमवी अलायंस को कमजोर किया जाए ताकि बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर वन पार्टी बनकर रहे और फिर विधानसभा आते आते समीकरण एक बार फिर बदल सकते। लेकिन निखिल, मैं एक वार्निंग दे सकता हूं, जैसे हम सिगरेट के पैकेट पे स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है जी, उस तरह से मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में कुछ भी प्रिडिक्ट करना इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं एक बात, अभी ये फोटो आपने मोदी जी और पवार जी का दिखाया, मैं एक क्रोनोलॉजी में वो भूल गया कहने कि जो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार मोदी जी को दिया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वहां के जो आयोजक थे वो मोदी जी को लाना चाहते थे उस वो अवार्ड देने के लिए, और मोदी जी ने यस नहीं कहा था, हाँ नहीं कहा था। शरद पवार ने उनको फोन करके ये कहा जा रहा है, कहा कि मोदी जी आप ये अवार्ड जरूर एक्सेप्ट करिए, इस पर इसमें कोई राजनीति नहीं है, आप जरूर आइएगा। और प्राइम मिनिस्टर आ भी गए कि देखिए मैं एक ऐसा नेता हूं जो इन सब सोशल चीजों में और अन्य चीजों में पॉलिटिक्स नहीं चाहता हूं। देखिए शरद पवार जब क्रिकेट के चुनाव आते हैं, पिछले साल जब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, वो आखिरी मोमेंट में जो देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच में एक ये हो गई, एक अलायंस एक तरह से हो गया, एक समझौता हो गया। तो शरद पवार जो है वो उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। लेकिन जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कम से कम लोकसभा चुनाव तक ये एमवीए अलायंस जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का अलायंस और इंडिया अलायंस में शरद पवार उस अलायंस में रहेंगे। ठीक है, आपने जिस राइडर के साथ में ये अपना एनालिसिस दिया है वो हम दर्शकों के लिए रिपीट कर देते हैं। सर ने पहले ही कहा कि जितने भी आकलन प्रेजेंट किए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि कोई भी आकलन सही निकले इस बात की गारंटी नहीं है।